पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है ना, एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला हमारे पास क्वेश्चन है टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बटे में है वन प्लस कॉस एक्स, और इसका एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस फाइव टू प्लस फाइव। और इसे हमें सॉल्व करना है। चलो आपको सब लोग देखेंगे कैसे, इसमें आज कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे जो कि हम ही सॉल्व करेंगे, आप लोगों को सिर्फ देखना है इसमें, देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो यहां पर तो टैन इनवर्स लिखेंगे, चलो यहां बताओ तो वन माइनस कॉस एक्स के बदले में कितना लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय, और वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, और टू कट गया आंसर। अब क्या लिखेंगे इसके लिए, साइन इनवर्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स बाय टू जब रूट के बाहर निकलेगा तो कितना लिखेंगे, ऐसे देखा जाए तो साइन बटे कॉस हो गया टैन स्क्वायर एक्स बाय टू, टैन स्क्वायर एक्स बाय टू रूट से बाहर निकलेगा तो टैन एक्स बाय टू, लेकिन रूट से आप जब भी बाहर निकाले तो याद रहे मॉड डालिए। अब मॉड क्यों, मॉड इसलिए देखिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से चाहेंगे तो कोई चीजें यहां पर, जैसे मान लो कि वन का स्क्वायर करेंगे तो एक मिनट रूट के अंदर आ जाओ, वन का स्क्वायर रहेगा तब भी आप वन लिखेंगे और माइनस वन का स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप तो वन ही लिखेंगे ना, लेकिन अभी मॉड के अंदर वो प्लस वन में था माइनस वन में था क्योंकि वो तो स्क्वायर होने के बाद इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा तो वन ही निकलेगा, लेकिन ये वैल्यू तो डिफरेंट आपका हो सकता है, वन भी है माइनस वन भी है, तो इसलिए जब भी इस चीज को हम बाहर निकालेंगे मॉड से रूट वाला चीज है आपको यहां पर करना पड़ेगा मॉड के अंदर। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब टैन इनवर्स टैन एक्स बाय टू एक्स बाय टू होता है, लेकिन ये कब होगा जब आपके रेंज में होगा तब, मेरे पास जो रेंज है माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में है, तब हम देखेंगे केस फर्स्ट करने जा रहे हैं, सिंस एक्स का जो मान है माइनस पाई टू प्लस पाई, लेकिन मेरे पास जो एंगल है वो एक्स नहीं है वो एक्स बाय टू है, तो एक्स बाय टू हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो टू से डिवाइड करो इसके अंदर, देखो एक्स बाय टू का वैल्यू माइनस फाइव बाय टू प्लस फाइव बाय टू के बीच में, मतलब रेंज में है ये, कोई डाउट नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि एक्स का मान जब ये दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में तो वैल्यू नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, दोनों चीजें हो सकती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, पहला कंडीशन हमारे पास ये रहेगा, इफ क्या लिख लेते हैं, एक्स बाय टू का वैल्यू अगर मान लेते हैं माइनस फाइव बाय टू से ग्रेटर, जीरो से छोटा और जीरो के अगर इक्वल रखें तो इसका वैल्यू कितना होगा, टैन इनवर्स एक्स टैन एक्स बाय टू कितना हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इफ मेरे पास तो पूरा यहां से यहां तक है तो हमने सिर्फ फाइव बाय माइनस फाइव बाय टू से जीरो लिया है, अभी कितना लेके चलेंगे, जीरो से ग्रेटर और फाइव बाय टू से लेस कितना हो रहा है, अच्छा आप लोग पहला वाला कंडीशन में प्लस हुआ थी क्या, टैन इनवर्स टैन एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि हमारा एंगल तो निगेटिव हो गया, और नीचे वाला देखो इस कंडीशन में टैन इनवर्स टैन एक्स बाई टू, ये हमारा जो एक्स बाई टू का जो वैल्यू है जीरो से पाई बाई टू है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से देखना ये हमारा दोनों आंसर पॉसिबल है। मॉड है तो यहां
यहाँ पर तो हम ये वाला एक्स बाई टू ये वाला वैल्यू लिख रहे हैं ना, वही ना आपको बता रहे थे हम, ये वाला वैल्यू आपका माइनस में भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है। चलो इसको मिटा रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको सिंपलीफाई करें, बाकी को मिटा रहे बच्चे लोग, सारा ध्यान रहे ऊपर। चलो ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऊपर में लिखा है cos x, नीचे में है 1 प्लस sin x, देखो कैसे बनाएंगे। देखो तो इसका रेंज अच्छा एक मिनट कोई कहे, x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई। देखो तो cos x कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस sin स्क्वायर x बाई टू, cos 2x का चार फॉर्मूला होता है, और cos x हाफ एंगल कर देंगे उसमें भी ये चारों फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला लिखा है, और 1 प्लस sin x के बदले में देखो तो इतना लिखा जा सकता है, 1 के बदले में बताया फिर cos स्क्वायर x बाई टू प्लस sin स्क्वायर x बाई टू, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स। ये साइन एक्स का बच्चे लोग हाफ एंगल का फॉर्मूला है, और ऊपर वाला भी हाफ एंगल का फॉर्मूला है, देखो तो नीचे कितना हो जाएगा तो, और ऊपर में क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, ए माइनस बी लिख दीजिए और ए प्लस बी लिख दीजिए, नीचे में आपके पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो प्लस वाला तो एक टर्म पूरा ही कट गया, इससे क्या बचेगा बोलते हैं tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तुम लोग को याद आ रहा है इसको फॉर्म को तोड़ने के लिए बताए थे, कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन रहेगा तो क्या करना है, कॉस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस टैन एक्स बाई टू 1 प्लस टैन एक्स बाई टू, आप साइड में लिख लीजिएगा ऑन डिवाइडिंग कॉस एक्स बाई टू, और इसके बाद फिर 1 के बदले में क्या लिखते हैं, tan pi by 4 minus tan x by 2, 1 plus यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिख दो 1 tan pi by into sin x by 2, अब देखो तो ये कितना हो गया, pi by 4 minus x by 2, अब हम इसका आंसर क्या यही निकाल के लिखेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू रेंज के अंदर है कि नहीं, तो आओ उसको भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं, यहां तक पहले हो गया, अब हम इसके बाद बताएंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है वो हमारे रेंज के अंदर है या नहीं है, तो पहले सिंस लिखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, चलो देखने से क्या लग रहा है बच्चे लोग, एंगलों को पाई बाई टू पे नहीं पाई बाई फोर पे चेक करना है, तो हम इसमें नीचे टू से डिवाइड सब में करते हैं, डिवाइड करने के बाद आप देखिए ध्यान से, ये पाई बाई टू जो है वो माइनस में है, ये जो एंगल चेक करना है, तो एक काम करो माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे,
अगर हम तीनों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ याद है, ये सिंबल चेंज होता है, इनइक्वालिटी। तो इसका फिर से तो मतलब यही होगी कि माइनस फाइव बाई जो माइनस जो एक्स बाई टू है वो माइनस फाइव बाई फोर से बड़ा और प्लस फाइव बाई फोर से छोटा है। लगो तो हम इसको उतना लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई टू, ये फिर से वापस इसी फॉर्म में लिख दो। देखो तो एक ही चीज है ना दोनों, लेकिन मुझे सिर्फ माइनस एक्स बाई टू नहीं फाइव बाई फोर भी इसके साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे सबके अंदर फाइव बाई फोर, और कितना हो जाएगा तो फाइव बाई फोर यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पर भी ऐड की और यहाँ पर भी ऐड कर दो, ये तो जीरो हो गया ना पूरा। फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू यहाँ आ गया, और ये कितना हो गया फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर फाइव। तो बताओ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फिर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, ये तो मैसे बाहर निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर लिख देना सेंस, लिख देना इट सेंस फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan inverse tan pi by 4 minus x by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम pi by 4 minus x by 2, चलो उसको नोट कर लो। चलिए इसमें इम्प्लाइज दैट देते हैं, इम्प्लाइज दैट, ये दोनों तो क्या इक्वल लिखा गया, जैसे भी इम्प्लाइज दैट पे चलता है। हाँ बेटा देखो, चलो यहां तक हो गया सबका, इस क्वेश्चन को हम सेकंड एक और मेथड से तुम लोगों को बना के दिखाते हैं, जो भी आसान लगे आप लोग बना सकते, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन ही बनाना चाहिए, टैन इनवर्स यहां पर हमारे पास कॉस एक्स है, नीचे में वन प्लस साइन एक्स। देखो तो कॉस को इतना लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये वन लिखो, और ये तुम्हारे पास है साइन, तो इसको लिखो कॉस, यहां पर कितना लिखा पाए, यहां पर आप ऐसे लिख दिए माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स, कुछ इस तरीके से, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो देखो तो इसको हाफ एंगल वाला फॉर्मूला पता होगा, साइन टू थीटा वाला का जो हाफ एंगल था साइन एक्स, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, तो टू साइन एक्स बाई टू करोगे तो पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा, इसके बटे में भी टू लगाओगे, ये समझ में आ गया हम क्या किए, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू लिखे, x की जगह पर यह एंगल था, दोनों को बटे में टू लगाएंगे तो फिर ये फोर हो जाएगा, ये एक्स बाई टू ही रह जाएगा। और नीचे वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये टू टू कट गया और एक तो ये पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस बटे में साइन और पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, लेकिन बाहर टेन है अंदर कॉट है, तो कॉट को भी टेन में कन्वर्ट करने के लिए बताएगी आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या टेन नाइनटी माइनस थीटा, इतना तो लिख सकते हैं
तब देखो टैन, हाँ आंसर जब निकालोगे तो ये वाला पूरा बाहर निकलेगा, टैन वर्स टैन एक्स का मान एक्स होगा, ये आपका पाई बाई टू में से पाई बाई फोर कटाओगे तो पाई बाई फोर ही आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स का, और ये वैल्यू तो हम लोग चेक किए हमारे रेंज के अंदर आ चुका है, बाकी काम आप इधर से कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं जैसे तोड़ने के लिए बता, आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसमें एक डिजाइन का और क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं, फिर आपको बोलने की बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और रेंज आपका दिया हुआ है माइनस पाई बाई फोर तो प्लस पाई बाई फोर। चलो इसको देखो कैसे बनाएंगे, तो ये तो रूल हम बताया था उस दिन, इसमें क्या करते हैं कॉस एक्स से डिवाइड करो इसके अंदर, तो वन माइनस टैन एक्स, वन प्लस टैन एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में वन की जगह पे tan pi by 4 tan x 1 plus tan pi by 4 into tan x, और फॉर्मूला सेट हो गया आपके पास tan pi by 4 minus x। चलिए ये हमारे पास हो चुका, अब इसको बाहर निकालने से पहले चेक करना पड़ेगा, तो आप इसको देखिए, सिंस x स्लाइस कर रहा माइनस पाई बाई फोर टू प्लस पाई बाई फोर, पहले तो एक हमारा नेगेटिव है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी यही रह जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसके बाद क्या करेंगे पाई बाई फोर ऐड कर देंगे सब में, क्योंकि पाई बाई फोर माइनस सिक्स है, तो पाई बाई फोर ऐड करोगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई फोर ऐड करेंगे तो पाई बाई फोर माइनस एक्स हो जाएगा, तो पाई बाई फोर ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये एंगल, जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, अच्छा एक मिनट, पाई बाई फोर माइनस एक्स के बीच, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल चेन नहीं किया, ठीक है सिंगल चेन होगा माइनस मल्टीप्लाई करने पे, और अभी भी देखो वही चीज लिखा हुआ, ये वैल्यू से बड़ा इससे छोटा है, माइनस पाई बाई फोर इंटू यहाँ पे प्लस पाई बाई फोर इंटू, अब दोनों तरफ ऐड कर लो, पाई बाई फोर तो जीरो हो जाएगा ना, पाई बाई फोर माइनस सिक्स, पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई टू हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू पॉजिटिव, बाहर निकाल लेंगे क्या नहीं देना, इतना उठा के इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स, चलिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया स्टेप का सॉल्व, अब देखो दो डिफरेंट बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, लिख रहे हैं लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है प्रूफ दैट लिख दिया तो मैं वैल्यू बस पहले से पता चल गई, टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स प्लस वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स,
और हमें प्रूफ कितना करना है, इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। और x का जो वैल्यू है वो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। तो चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो पहले देखो तो ध्यान से यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसको। tan inverse है अंडर रूट 1, ये 1 प्लस cos, इसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा पहले LHS बता रहे हैं। आप जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ का तैयार करते हैं बनाने वस्तु तो LHS पहले से आपको लिखना होगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 1 प्लस cos का फॉर्मूला बताओ। और माइनस में आता है तो साइन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्या लगता है बच्चे लोग, इसमें रूट 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा? तो रूट 2 हटा देंगे तो मॉड से बाहर, सॉरी रूट से बाहर निकालेंगे तो बोले थे मॉड में लगाएंगे cos x बाई 2 sin x बाई 2। देखो तो ध्यान से, ये हमारे पास है x की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो 0 पाई बाई 2 के बीच में x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई बाई 4 के बीच में। 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये एंगल होगा तो ये पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसे तो हम ऐसे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। और बता देंगे कि सिंस x बाई 2 की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाइज करेगा। चलो अब यहाँ बताओ तो फिर इसको सॉल्व करने का तरीका तो अभी तक जान ही गए होगे तुम लोग। cos x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 के बदले में अगर हम पुट कर दें पाई बाई 4 तो इतना ही है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी चेक कर लो वैल्यू हमारा, तो देखो यहां से एक्स बाई 2 की जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 4 के बीच में, दोनों साइड पाई बाई 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, सॉरी एक्स बाई 2 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी भी है ना वैल्यू हमारा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हमेशा याद यही देखो प्रूफ करना है। चलो अब थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे इससे, हो गया ये नोट पूरा। चलो एक और क्वेश्चन देखो, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। और प्रूफ क्या करना आपको है, तो सिर्फ x बाई 2 प्रूफ करना और x की जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। चलो देखो कैसे करते हैं इसको, पहले तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को कितना लिख सकते हैं वो चेक करना होगा। यहाँ लिख देना प्रूफ वाले क्वेश्चन में, प्रूफ करके LHS लेके चलिए। तो cot इनवर्स, अब देखो अंडर रूट 1 प्लस 1 के बदले हम लिखने जा रहे हैं cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? अभी दो तीन
खुद आप पहले स्टेट पिक कर चुके हैं, इसलिए आप वहां से लाइन बाई लाइन लिखोगे, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप वन के बदले में आपको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स के बदले में टू साइन स्क्वायर टू टू कॉस एक्स वाई टू। देखिए रूट में स्क्वायर है, अब यहां से बाहर निकालने से पहले सोचना पड़ता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि सब जैसे निकलेगा सब मॉड में निकलेगा वैल्यू, तो सारे वैल्यू को मॉड में लिख ही देने पहले, उसके बाद सोचा जाए। ये मॉड में आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, cos x by 2 plus sin x by 2। तो x by 2 देख लेते हैं, x by 2 हमारा 0 टू पाई बाई 4 के बीच में लाइज करेगा। अब यहां संयोजन से x by 2 ये भी और x by 2 ये दोनों के साथ ब्रैकेट में, तो 0 टू पाई बाई 4 के बीच में x by 2 लाइज कर रहा, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन वैल्यू बड़ा होता है कि कॉस वैल्यू बड़ा होता है, ये चेक करना आपको। तो देखो तो साइन 0 पर होता है 0, और 30 पर जाओगे तो 1 बाई 2 मिलेगा, 45 पे जाओगे तो इक्वल मिलेगा 1 बाई 2। अब कॉस से कंपेयर करना है तो कॉस 0 पर कितना होगा 1, और 30 पर कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2, और 45 पे 1 बाई रूट 2, तो 45 तो लेना भी नहीं, उससे कम मिलेगा। तो देखो तो ध्यान से साइन का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 था 1 बाई 2 हुआ, फिर 1 बाई रूट 2 है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दीजिए 0 टू पाई बाई 4 में कॉस का वैल्यू हमेशा साइन से ज्यादा है, देख रहे हो, तो 0 टू पाई बाई 4 के बीच में ना कॉस एक्स बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन होता है साइन एक्स बाई 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कॉस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन साइन एक्स बाई 2। तो अगर ये वैल्यू बड़ा हो इसमें से छोटा वैल्यू घटाओगे तो सॉरी ये ऐड करोगे तो यहां तक पॉजिटिव ही रहती है दोनों ही, ये बड़ा वैल्यू है ये छोटा वैल्यू इसमें से घटाओगे तब जाके ये भी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो हम चाहते देखिए हमें भी चाहते तो कर सकते थे क्या, ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कभी होल स्क्वायर क्यों, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कभी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर है वो, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखेंगे ये तो नेगेटिव हो जाएगा फिर, क्योंकि ये साइन एक्स बाई टू छोटा है, छोटा में बड़ा घटाओगे नेगेटिव, माइनस निकालोगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। वो एंगल हमेशा रेंज पे देखना पड़ेगा ना यहाँ पे, अब तो हमें मालूम चल गया किसका रेंज करेक्ट है, इसका रेंज में कॉस एक्स बाई टू बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करेंगे तो और भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मॉड हटा देंगे क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव है यहां से भी मॉड हटा सकते हैं, ये तो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है। ये यहां से कट गया और ये यहां से कट गया, ऊपर से हो गया 2 cos x by 2, नीचे से 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो cot x by 2 होगा और x by 2 बाहर लिखने से पहले आप चेक कर लीजिए कि x by 2 का रेंज किस से 0 से पाई बाई 4 के बीच में ही आएगा, तो वो तो वैल्यू पॉजिटिव ही होता है उसमें, तो चलो यहां तक नोट कर लो सब। यहां तक हो गया,
चलिए तो ये तो अभी भी सिंपल सिंपल इन लोग का रेंज है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो दे रहे हैं जिसका रेंज थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स और टू प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, और नीचे में हमारा अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बटेगी टू। ये प्रूफ करना आपको है, और x की जो वैल्यू है वो पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में है। तो इसको बनाते हैं और देखिए कहां तक पहले पहुंच जाएंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन सर। चलो आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बना है, बस यहाँ पर रेंज थोड़ा डिफरेंट है। देखो तो इसका कितना लिख सकते डायरेक्ट बोली अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स को, और इसको मॉड में लिख सकते हैं रूट टू साइन एक्स बाई टू, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये रूट टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा रूट टू साइन एक्स बाई टू। रूट टू तो बच्चे लोग ऊपर नीचे से हटा सकते हो, डिसाइड करो कि किसको निगेटिव निकाले किसको पॉजिटिव निकाले। x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो x बाई 2 का वैल्यू किसके किसके बीच में लाइज कर रहा है, ये 3 पाई बाई 4 हो गया। क्वाड्रेंट बोली कौन सा क्वाड्रेंट, ये 90 और ये कितना है 135। पाई बाई टू से ग्रेटर और थ्री पाई बाई फोर से कम है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं कि कॉस वैल्यू निगेटिव होता है साइन वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो क्या लिख सकते हैं मैं, ये तो नेगेटिव होगा तो मॉड हटाने से पहले आगे बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, ये वैल्यू हो गया नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है बाहर निगेटिव है तो बाहर निगेटिव तो लिखना ही पड़ेगा। देखो इसके ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस से कॉमन लेकर हटा सकते हैं, तो माइनस के तो एक काम करो माइनस कॉमन ले लो तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर से ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। कितना लिखोगे टैन इनवर्स टैन इन कॉस एक्स बाई टू पर भी डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा, वन के बदले में टैन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू लिखेंगे। अब ये चेक कर रहे हैं कि ये किसके रेंज में, ये रेंज के अंदर है भी कि नहीं, तो चेक करो एक्स का वैल्यू है आपके पास पाई टू थ्री पाई बाई, सबसे पहले आपको x बाई टू लाना है, x बाई टू लाइए उसके बाद आपको माइनस भी लिखना है। चलिए तो माइनस करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई टू सिंबल चेंज, x बाई टू सिंबल चेंज, चलिए माइनस से करके मल्टीप्लाई है, उसके बाद हमें चाहिए हमारे पास कितना है माइनस एक्स बाई टू भी चाहिए, तो हो गया पाई बाई फोर चाहिए, सब में पाई बाई फोर सब में ऐड कर लो,
कितना हो जाएगा, ये तो पाई बाई टू हो जाएगा। ये कितना हो गया, पाई एल से मेल हो गया आपको, ये बोल रहे हो। अच्छा हाँ हाँ, ये तुम्हारा फोर हो गया और पाई बाई थ्री पाई गया माइनस टू पाई बाई फोर, यानी कि एक मिनट पाई बाई फोर ही ऐड किया सब में हम लोग। मुझे तो फोर ही आएगा आपका, कैसे फाइव फोर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर, यानी कि माइनस टू पाई बाई फोर यानी माइनस फाइव बाई टू ही होगा ना। कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, ये माइनस फाइव बाई टू और माइनस फाइव बाई फोर के बीच में एंगल जा रहा है। तो देखो तो कह सकते हैं ना कि ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है, क्योंकि नेगेटिव एंगल में आ गया हमारा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होगा, तो अब यहां से आप बाहर ये देख के आप नहीं निकाल सकते, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो माइनस थ्री टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, सब चेक करना पड़ेगा, वो इनवर्स नहीं है, उसको निकालना पड़ जाएगा। तो ये हमें कौन सा लास्ट में, हाँ लास्ट में देखो यहां से माइनस नहीं होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू अभी हम लोग चेक किए कि माइनस फाइव बाई टू और इसके बीच में था माइनस थ्री फाइव बाई फोर के बीच में लाइस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टेन इनवर्स के वो रेंज के अंदर में, अगर वो निगेटिव भी है तो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि एंगल को हम लोग माइनस करके भी तो लिख सकते हैं ना। एक्स का वैल्यू तो हमें पता नहीं है कितना है, तो एक्स के टर्म में जब लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं पाई बाई फोर टू माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसके रेंज के बीच में आ रहा है, पाई बाई फोर जो है माइनस एक्स बाई टू जो है। चलिए वो लिखते हैं, क्वाड्रेंट वही तो बोल रहे बार बार, क्वाड्रेंट नहीं देखना इसमें है। अब ये जो फॉर्मूला है ना डिफाइन हो जाएगा, जैसे यहाँ देखो टैन इनवर्स आपके पास वन है और टैन इनवर्स आपके पास माइनस वन है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट हमको फिगर दिया हुआ ना, एग्जैक्ट हमें वैल्यू मालूम है, ये तो कोई एक्स के टर्म में आंसर दिया हुआ ही नहीं, तो हमको सोचना है यहाँ पे। तो टैन इनवर्स वन दिया तो क्या लिखोगे इसके लिए, तो आप सीधे क्या लिखते हैं पाई बाई फोर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, टैन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, और इसको क्या लिखोगे सेम चीज को, टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर। देखो तो ये दोनों जो वैल्यू लिखा हुआ दोनों इसके रेंज के अंदर है, तो आप आंसर क्या लिखोगे इसके लिए, पाई बाई फोर ही लिखेगा, इसके लिए आंसर क्या लिखोगे, मतलब तो रेंज के जो अंदर आता है तो जो एंगल है उसी को लिखते हैं ना फिर। क्वाड्रेंट नहीं, हाँ यहाँ क्वाड्रेंट से मतलब ये रेंज के अंदर वो स्लाइस करना चाहिए, क्योंकि वो निगेटिव एंगल को भी सेटिस्फाइड कर ले जाएगा उस एंगल को एक साइड में लाकर, तो इसलिए जब भी यहाँ पर बात होगा तो ये चीजें देखना कि ये वाला जो वैल्यू है, ये दोनों जो फॉर्मूला है इसके लिए ये लिख रहे हम डिफरेंट तो लिख रहे हैं, इसके लिए ये लिख रहे हैं और इसके लिए ये लिख रहे हैं, एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है जब उसके बीच में लाइस कर रहे हैं, तो जब भी टैन इनवर्स बाहर मिल जाए तो अंदर वाले जो भी देखना होगा एक सीखने से पहले देखना उसके रेंज में है कि नहीं, अगर वो उसके रेंज में होगा तो उसका वैल्यू वही होगा, अगर रेंज में नहीं है तो फिर वहां चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे लास्ट में क्या करना होगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा फिर।
और इससे पहले भी जो हम लोग क्वेश्चन अभी तक बना रहे थे उसमें भी लास्ट में कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है, वहीं तक हम छोड़ सकते हैं। तो इसी जैसा आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं ट्राई करने के लिए। हाँ बताओ, बना के आपको सबको सेंड करना है, मतलब इसी तरह से वो रेंज पर ही है सारा क्वेश्चन। अगर रेंज हटा दिया जाए इस क्वेश्चन से तो बताओ क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, ना मॉड लगाना ना कुछ करना, बस आप डायरेक्ट बना के दे दीजिएगा। लेकिन रेंज लग गया तो आपको हर एक चीज थोड़ी सा ऐड करना होता है। अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को प्रूफ किए थे x by 2, लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो x by 2 नहीं, वो पाई by 2 माइनस x by 2 है, क्योंकि इसका रेंज चेंज हो चुका है। इफ x की जो वैल्यू है पाई by 2 से पाई के बीच में, ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, बटे में आपके पास है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और इसको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, और इफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के ऊपर है, और x का वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में। चलिए ये दो तीन क्वेश्चन मेरे तरफ से ट्राई करना आप लोग करें, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं।